नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे एनटीपीसी की ग्रेजुएशन पोस्ट के अभी देखा जाए तो वैकेंसी निकल चुकी है और इसमें आवेदन भी चालू हो गए हैं। जैसे ही आवेदन चालू होते हैं सबसे ज्यादा आपके प्रश्न होते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि सर किस जोन से फॉर्म भरा जाए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया होती है, तमाम जोन होते हैं और ऐसे में आपको पोस्ट प्रेफरेंस के साथ साथ आपका जोन सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है और एक जो बेस्ट एनालिसिस जिसके लिए आप अपने बड़े भाई को पसंद करते हो, मैं अपनी सारी मेहनत सारे एनालिसिस इस वीडियो में लगा दिया हूं और एक बेस्ट जो आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्या बेस्ट जोन हो, कहां से कम कट ऑफ जा सकती है, क्या पोस्ट वाइज आपका, जैसे आपके पोस्ट वाइज सेफ जोन है, कैटेगरी वाइज आपका कौन सा सेफ जोन हो सकता है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये तमाम डिटेल है, इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया होगा। सीएन 5/2024 जो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए है, 8113 जो आपके पद आए हैं वो आपका ग्रेजुएशन के लिए अभी फॉर्म चालू है। अंडर ग्रेजुएट या 12th वाले जो पद हैं वो आपके एक सप्ताह बाद चालू हो जाएंगे। आते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे और इसीलिए आपकी एनालिसिस ये ज्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि सब कुछ हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, सारी साइकोलॉजी समझते हैं कि बच्चा जब फॉर्म भरता है तो वो क्या क्या उसके दिमाग में आता है, वो क्या क्या किन किन बातों को दिमाग में रखता है। जैसा कि मैंने बोला कि जोन चूज करना है तो आप केवल इस बात पर निर्भर मत करिए कि कहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कहां पर कट ऑफ कम जाएगा। जोन चूज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा नौकरी की प्राथमिकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है नौकरी लगना, क्योंकि आपकी जो बेरोजगारी है, आपका जो बेरोजगारी का कलंक है या सर नीचा रह रहा है कि हमारे पास एक नौकरी होनी चाहिए, हमारी भी नौकरी होती सर उठा के हम जी रहे होते, हमारे लिए नौकरी लग जाए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम भारत के किसी कोने में रहेंगे हम नौकरी कर लेंगे, ये बात आपकी पैरामीटर अलग होती है। दूसरी चीज की परिवार की जिम्मेदारी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ भाई ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे हमारे गृह जनपद के आसपास लगे, या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी पहले जॉब कर रहे होते हैं, वो अपने घर से बहुत दूर होते हैं, वापस अपने किसी जोन में आना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि भाई इस बार बढ़िया वैकेंसी है, हम लोग फॉर्म भर के और सिलेक्शन लेके क्या करें अपने जोन में आ जाएं, क्योंकि रेलवे में ट्रांसफर का जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ही गंदा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हो, मां बाप की जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी है, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी है, तो नौकरी लगना कहीं ज्यादा जरूरी होता है, आप नौकरी के साथ अपने घर पे रहो। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जो इनकी जीवन नौकरी से पहले ज्यादा स्मूथ थी, नौकरी के बाद ज्यादा खराब हो गई है। सपोज करो कि आप कहीं जम्मू कश्मीर के हो या आप कहीं नॉर्दर्न स्टेट के हो और आपका कहीं तिरुवनंतपुरम में हो जाए, अब आपको घर आना जाना हो जिम्मेदारियों के साथ बार बार में, तो जितना आप कमाओगे नहीं उससे ज्यादा आने जाने में आप खर्चा कर दोगे और हेक्टिकनेस तो अलग रहेगी ही रहेगी, जहां पर छुट्टियां जल्दी नहीं मिलती हैं, ऐसे आपके जॉब प्रोफाइल है। तो यहां पर आप समझिएगा, तीसरी चीज आपका है कि पसंदीदा पोस्ट अनुसार जोन। जैसे कि अगर हम जोन सिलेक्शन करते हैं तो यह भी जरूरी है, जैसे मान के चले कि कोई गर्ल है कोई महिला है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि सारे पोस्ट अच्छे हों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो नाइट ड्यूटी वाले होते हैं। अब कोई गर्ल्स है, कोई गर्ल है या महिला है, तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, ऐसे में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करना आसान नहीं होता। कोई ऐसे जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर का हो गया जिनमें ट्रेन में ही चलना होता है, बहुत ही रफ टफ जॉब होती है, पैसा बहुत है लेकिन वहां पर जॉब प्रोफाइल, तो जीवन का सुकून भी चाहिए नौकरी के साथ और खासकर महिलाओं के लिए। तो आपका पसंदीदा पोस्ट क्या है, क्या आपके लिए ज्यादा सुइटेबल है, उसके अनुसार आपका क्या हो सकता है, जोन कौन सा हो सकता है, प्लस आपकी कैटेगरी मैंने बताया किस कैटेगरी में किस जोन में वैकेंसी कितनी ज्यादा है, कहां पे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, वो आपका मैटर करता है। साथ में कुल पद, जैसे मैंने बोला ना कैटेगरी वाइज हो गया आपका टोटल कुल पद हो गया, प्रीवियस कट ऑफ को भी हम लोग दिमाग में रखेंगे, पूरा आंकड़ा मैं आपका प्रीवियस कट ऑफ का भी लेके आया हूं। और सबसे बड़ी बात है कि घर से दूरी भी ये मैटर करती है कि आप अपने घर के पास रहना चाहते हो या घर से दूर रहना चाहते हो। तो आते हम लोग पूरे एनालिसिस का पिटारा आपके सामने लेके आते हैं और इस एनालिसिस के पिटारा में अगर आप यहां पर देखोगे तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरा का पूरा टेबल, जिसमें जो टेबल आपको शायद कहीं अन्य जगह नहीं मिलता है और इसमें मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कि एक तरफ मैंने जोन दिया है, दूसरी तरफ मैंने टोटल वैकेंसी दिया है और टोटल वैकेंसी के बाद इधर मैंने पोस्ट वाइज जो आपकी पांच कैटेगरी के लेवल 5 और लेवल 6 में आए हैं, जैसे लेवल 6 के सीसीटीएस हो गया और आपका क्या हो गया स्टेशन मास्टर हो गया, इन दो पद की बात करेंगे, बाकी आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया या आपका जेएसीटी हो गया जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया और आपका एससीसीटी हो गया जो सीनियर
आपका टिकट क्लर्क वाला हो गया, ये पोस्ट हम लोग की बात करेंगे। मैं एक बार आपको सारे पोस्ट दिखा देता हूं ताकि मैं एब्रीविएशन नोट कर दिया और आप पोस्ट याद रखो। जैसे आपका जो CCCTS है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, तीसरा गुड्स ट्रेन मैनेजर है, चौथा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, और क्या है पांचवा आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो एक बार आप पोस्ट को याद रखेंगे, इसे मैंने क्या किया शॉर्ट फॉर्म में रखा है और उनकी वैकेंसीज वाइज मैंने यहां पे पूरा आंकड़ा दिया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, ये पूरा आंकड़ा आपको यहां पे देखने को मिलता है। अब आते हैं बात कि आपका सेफ जोन कौन सा हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, गुवाहाटी की बात करें, तो यहां पे पदों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन आप देखो कि गुवाहाटी और अहमदाबाद में दोनों जगह पदों की संख्या 516 है, लेकिन मैंने इसे दो तरीके से कैटेगराइज किया। अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे तो आपको इसमें तीन कलर दिख रहे होंगे, एक मैंने ग्रीन पोर्शन में रखा है, एक मैंने ब्लू पोर्शन में रखा है, एक मैंने रेड पोर्शन में रखा है। समझते हैं कि ये क्या है रेड ब्लू और ग्रीन। रेड ब्लू और ग्रीन में ग्रीन ऐसा पोर्शन है जो आपको अभी लग रहा है कि ये क्या है, ये आपका ग्रीन जोन है क्योंकि आपका यहाँ पे सेफ जोन है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं, जहां पे इससे पहले ALP का फॉर्म भरा गया, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा, और आप परीक्षा टेक चैनल देखोगे तो मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से वहां पे मदद किया है और हर बच्चा वहां पे सेटिस्फाई है कि नहीं सर जो आपने बोला था बिल्कुल वैसा हुआ। मैंने पूरा RTI डेटा भी लगाया था और RTI में भी दिखाया था कि जितना मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली इतना फॉर्म आएगा उतना ही फॉर्म आया है। ये पूरा मैं आपको एक वीडियो में लाके दिखाऊंगा तो आप उसमें बिलीव कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से मेरी एनालिसिस पे। यहां पे रही बात तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये मैंने जो ग्रीन जोन है अभी आपको ग्रीन लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये वो जोन है जहां पे पूरे भारतवर्ष के बच्चे मूव करके आना चाहेंगे। दूसरा मैंने रेड जोन में किया है, ये वैसे रेड है जहां पे वैकेंसीज बहुत कम है। आपको लग रहा है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा यहां पे क्योंकि वैकेंसीज की संख्या बहुत ज्यादा कम है, इस कारण से मैंने इसे रेड में रखा है और बीच में मैंने एक प्रयागराज को भी रखा है, आप थोड़ा सा नजर इस पे डालेंगे। बाकी मैंने ब्लू पट्टी से किया है, ब्लू पट्टी वो है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे। इस जोन में जो बच्चे रहते हैं, इस जोन के बच्चे अपने जोन में ही फॉर्म भरना पसंद करेंगे और अगर कहीं दूसरे जोन में चेंज करते हैं तो उन्हें चेंज करना कोई बहुत ज्यादा लॉजिकली ठीक भी नहीं है, इस बात को समझाऊंगा। अब आते हैं हम लोग बात यहां पे समझते हैं कि जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, एक बात आप साइकोलॉजिकली समझिएगा कि जहां भी वैकेंसी कम होती है बच्चा कम वैकेंसी से डरता है, वहां से भगता है और वहां से अपना जोन चेंज करता है। तो जोन चेंज करेगा तो जाएगा कहां, जोन चेंज करेगा तो वहां जाएगा जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। एक बात एक कहावत होती है कि जब आपने घर छोड़ ही दिया तो क्या देखना कि आप घर से कितने दूर हो, जब आप अपना जोन छोड़ ही दिए, जब आप अपने जोन को चेंज कर ही रहे हो, अपना जोन छोड़ के किसी दूसरे जोन में फॉर्म भर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप ये देखोगे कहां पे वैकेंसी ज्यादा है। बट यहां पे मैं आपको एक चीज ऐड करूंगा कि आप ये मत देखो कहां पे वैकेंसी ज्यादा है, आप ये देखो आपके नियरेस्ट कहां पे वैकेंसी ज्यादा है तो आपको फॉर्म भरने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। दूसरी बात, ये नीली वाली जो पट्टी है यहां के बच्चे मूव सबसे कम करेंगे, समझाता हूं कैसे। देखिए अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मुजफ्फरपुर से वो फॉर्म भर रहे हैं तो मुजफ्फरपुर में केवल 12 पद हैं जिसमें से मैक्सिमम कैटेगरी में वैकेंसी है ही नहीं, स्टेशन मास्टर में नहीं है, बढ़िया वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर बॉयज के लिए नहीं है, और अगर हम लोग यहाँ पे JACT जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका इसमें भी वैकेंसी नहीं है, और अगर SCCT की बात करें तो यहाँ पे केवल 2 पद हैं और केवल जो CCTS है यह आपका नया पद इस बार ऐड हुआ है, 3-4 पद को मिला के बनाया गया है, इसमें अगर देखा जाए तो 10 पद है। तो बच्चा मुजफ्फरपुर से नहीं भरेगा क्योंकि यहां पे उसके लिए पद ही नहीं है, तो मुजफ्फरपुर का बच्चा मूव करेगा। अब हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर का बच्चा मूव कहां पे करेगा, इस चीज को हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। इसे मैं थोड़ी देर के लिए ये ऊपर नहीं जाएगा तो हटाता हूं इस पेज को ताकि ऊपर नीचे रहे। अब समझते हैं मुजफ्फरपुर कहां पे है, अगर आप लोकेशन देखोगे मैप का तो ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर के आसपास जब बच्चा अपना जोन छोड़ेगा तो कहां जाना चाहेगा, वो देखेगा आसपास के जोन में कहां पे वैकेंसी ज्यादा है, क्या गोरखपुर जाएगा। अगर आप चार्ट देखोगे तो मुजफ्फरपुर में 12 है और अगर आप गोरखपुर को देखोगे तो गोरखपुर में 129 है, 12 से 129 बच्चा नहीं जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं है, वो वहां पर जाना चाहेगा जहां पर वैकेंसी ज्यादा है। तो वो देखेगा कि यहां पर जहां पर वैकेंसी ज्यादा है वहां पर आसपास में कहीं देखे तो देखेगा कि वो मुजफ्फरपुर के पास कोलकाता है कि मुंबई है कि भुवनेश्वर है कि बिलासपुर है कि गुवाहाटी है, कहां जाने का प्रयास करेगा, और इस हिसाब से जब वो चूज करेगा तो मुजफ्फरपुर का बच्चा यहां पे गोरखपुर जाएगा नहीं, प्रयागराज जाएगा नहीं, पटना में वैकेंसी है जाएगा नहीं, वैकेंसी कम है, रांची पे वैकेंसी उतनी ज्यादा है जाएगा नहीं। तो इसके लिए या तो थोड़ा बहुत मालदा, लेकिन मालदा में भी इतने पोस्ट नहीं है, या फिर उसको सबसे ज्यादा दिखेगा कहां पे,
कोलकाता पोस्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो उसका पहला जो प्रायोरिटी आएगा वो कोलकाता आएगा। और आप अगर मेरी बात से सहमत हैं, आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि यही होने वाला है। अब मुजफ्फरपुर का बच्चा कहां पे आएगा? कोलकाता आएगा। ऐसे ही नियरेस्ट की जहां पे भी, जैसे आपका क्या हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, आपका पटना हो गया, यहां पे वैकेंसी कम है, तो ये बच्चा वहां पे जाने का प्रयास करेगा जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। और यही साइकोलॉजी क्या करती है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं वहां पे फिर से फॉर्म बहुत ज्यादा भर जाते हैं। जैसे मैंने टेक्नीशियन में देखा, तो टेक्नीशियन में एलपी की बात करें तो एलपी में भी बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, तो बिलासपुर में 5-6 लाख फॉर्म आवेदन हो गए, जबकि कुछ ऐसे जोन थे जहां पे केवल 20,000 भी फॉर्म पड़े। तो अब समझिएगा, एक ऐसा जोन जहां पे केवल 20,000 5,000 फॉर्म पड़ रहे हैं, एक ऐसा जोन जहां पे 5-6 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, तो कितना अंतर आया? उस पीछे क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि कहां पे आपकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा यहां पे और आप आएंगे, तो जैसे पटना का बच्चा है, सेम पटना का बच्चा, सिलगुड़ी का बच्चा है, सिलगुड़ी में केवल 40 पोस्ट है। अगर आप देखोगे सिलगुड़ी का मैप कहां पे, सिलगुड़ी यहां पे, तो सिलगुड़ी वाला कहां जाएगा? या तो वो मालदा जाए, या तो वो गुवाहाटी जाए, या तो कोलकाता जाएगा। अब सिलगुड़ी का बच्चा सोचेगा कि यार हम बंगाल के आसपास ही रह जाए, तो वो कोलकाता आने का प्रयास करेगा। इस कारण से जो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला आपका देखोगे कोलकाता, कोलकाता एक ऐसा जोन है जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है, 1300 समथिंग पद आपका पूरे 8113 में से 1300 समथिंग पद आपके केवल कोलकाता में है। तो यहां पे मुजफ्फरपुर का भी बच्चा मूव करना चाहेगा, पटना में वैकेंसी ये भी आना चाहेगा, रांची में वैकेंसी है ये भी आना चाहेगा, सिलगुड़ी का बच्चा भी कहां पे आना चाहेगा, कोलकाता में ही आना चाहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये चार जोन जो इसके नियरेस्ट है, क्योंकि कोलकाता की चार नियरेस्ट जोन ये क्या हो गए, यहां पे वैकेंसी बहुत कम हो गई, इस कारण से बच्चा यहां पे मूव करना चाहेगा। रांची एक बार हम लोग देख ले, रांची में अगर पदों की संख्या देखें तो इतनी कम नहीं है, 322, और मैंने ब्लू में रखा है कि ये बच्चा मूव ना करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप 322 से 1382 में मूव करना तो चाहोगे, आपको लगेगा वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि कोलकाता में बाकी लोग भी आ रहे हैं, इस कारण से कोलकाता क्या हो जाएगा, कोलकाता आपका रेड जोन बनने के कगार पे रहेगा। बट एक चीज और देखो, इसके बाकी जैसे भुवनेश्वर पास में है, जैसे मालदा पास में है, जैसे गुवाहाटी पास में है, तो ये क्योंकि केवल कोलकाता के नहीं, ये इन जोन के बच्चों के भी पास में है, तो हो सकता है सिलगुड़ी का बच्चा मालदा जाए, हो सकता है सिलगुड़ी का बच्चा गुवाहाटी जाए, हो सकता है पटना का बच्चा भुवनेश्वर है, हो सकता है पटना का बच्चा बिलासपुर है, इस कारण से कोलकाता में थोड़ा बहुत फिर रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। तो दोनों पॉइंट हम लोग कंसिडर लेके चलेंगे, इस कारण से कोलकाता की बात किया जाए तो अगर आप देखोगे सेफ जोन में, मैंने इसे ग्रीन में रखा है, और आपको मैं बता दूं कि ओवरऑल जो आप यहां पे देखोगे कि आपका कौन सा जोन सेफ है, तो जो बच्चा कोलकाता का है या कोलकाता जाना चाहता है उसको मैंने दूसरे प्रायोरिटी पे रखा है। पहले प्रायोरिटी पे मैंने ओवरऑल में गुवाहाटी रखा है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखोगे तो प्रीवियस ईयर में भी जो लोवेस्ट कट ऑफ जोन में अगर लेवल 2 की बात किया जाए या लेवल 5 की बात किया जाए तो गुवाहाटी रहा है, लेवल 3 और 6 की बात किया जाए तो तिरुवनंतपुरम रहा है। तो पिछले बार भी गुवाहाटी आपका सेफ जोन में रहा है, और अगर इस बार भी हम लोग देखें तो गुवाहाटी में वैकेंसी की संख्या बहुत अच्छी है, 516 है, और क्योंकि गुवाहाटी अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कहां पे आ रहा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये आ रहा है आपका सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में आ रहा है। अब आप ये सोचो, साउथ का बच्चा यहां नहीं आना चाहता, वेस्ट का बच्चा यहां नहीं आना चाहता, नॉर्थ का बच्चा यहां नहीं आना चाहता, अगर आएंगे तो इस जोन के बच्चे केवल गुवाहाटी आएंगे, इस कारण से ये जोन जो इस जोन के बच्चे नहीं जाएंगे, गुवाहाटी एक सेफ जोन में जाता है अपने लोकेशन की वजह से। तो पिछली बार भी यही हुआ था, आप लोग देखिएगा लास्ट में भी गुवाहाटी यही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गुवाहाटी बोल दिया है तो सारे लोग गुवाहाटी ही बढ़ जाओ, अगर सारे लोग गुवाहाटी भर दोगे तो ये बात कोई नहीं रोक पाएगा कि जो मैं अभी सेफ जोन बोल रहा हूं वो आपका रेड जोन बदल जाएगा, ऐसे बदलने में, रेड जोन बदलने में कोई नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आप कहां से आ रहे हो, आप मुजफ्फरपुर से आ रहे हो, आप पटना से बिलोंग करते हो, आप इवन दो रांची से बिलोंग करते हो, आप गोरखपुर से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए गुवाहाटी एक बेस्ट ऑप्शन है, वरना गुवाहाटी से थोड़ा कम आपका मालदा है, मालदा यहां पे आप मालदा भी कर सकते हो, या फिर आपके लिए कोलकाता और सबसे अच्छी बात है भुवनेश्वर। तो जो बच्चे इस रेंज में आएंगे उनको मैं बोलूंगा कि आप या तो गुवाहाटी मूव करो या तो भुवनेश्वर मूव करो, क्योंकि ये जो दो जोन है ये बाकी बच्चों के नजर में कम आएंगे, और यही कारण है मैंने भुवनेश्वर को भी आपके टॉप 5 में तीसरे नंबर पे यहां पे रखा है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या रखा है, कोलकाता, और पहले नंबर पे गुवाहाटी रखा है। तो अगर कोई बच्चा किस रीजन से बिलोंग कर रहा है, इस रीजन से बिलोंग कर रहा है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा इन रीजन से बिलोंग कर रहा है तो वो कहां पे जा सकता है, उसके लिए गुवाहाटी एक बेहतर ऑप्शन है, भुवनेश्वर एक बेहतर ऑप्शन है, और क्योंकि कोलकाता में वैकेंसी ज्यादा है तो आपके लिए एक ऑप्शन बन सकता है। ऐसे अगर बात करें यहां पे जैसे जो दूसरे नंबर की वैकेंसी, जैसे अहमदाबाद में भी ठीक ठाक पद है, सिकंदराबाद में ठीक ठाक पद है, मुंबई में ठीक ठाक पद है, बेंगलुरु में ठीक ठाक पद है, इवन चेन्नई में है, तो आप देखिए कि यहां पे जो जोन है वो कम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों का ज्यादा है। तो ऐसे में अब कोई बच्चा अगर इस जोन में होगा तो सिकंदराबाद में ठीक ठाक है, सिकंदराबाद में अगर देखेंगे तो 478 और इसने
ब्लू पट्टी में मैं रखा हूं। ब्लू पट्टी में रखने का मतलब कि अगर आप जोन चेंज करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि आप मॉडरेट जोन में रहोगे और आपका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, बहुत कम नहीं जाएगा तो बहुत ज्यादा भी नहीं जाएगा, कम होने के चांस ज्यादा है, ज्यादा होने के चांस बहुत कम है, जो मैंने ब्लू पट्टी से दिखाया है, क्योंकि यहां से बच्चा मूव करता है तो वो फिर अपने साथ गलत करता है। ये वो ऐसे जोन है जहां पे क्या होगा, जहां पे बच्चा इधर उधर ज्यादा नहीं जाएगा और ना ही दूसरे जोन का बच्चा यहां पे आएगा। दूसरे जोन का बच्चा या तो यहां पे आएगा, आप खुद सोचो, अगर कोई बच्चा सपोज करो कि चंडीगढ़ है, इसे मूव करना होगा तो अपने नीचे तो मूव नहीं करेगा, अपने ऊपर मूव करेगा, तो क्या चेन्नई जाएगा? नहीं। क्या सिकंदराबाद जाएगा? नहीं, क्योंकि वैकेंसी कंपेरेबल है। क्या बेंगलुरु जाएगा? नहीं जाएगा। क्या अहमदाबाद जाएगा? नहीं जाएगा। वो इन जोन में जाएगा, और इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका कोलकाता, सभी लोग बोलेंगे कि कोलकाता भैया बहुत वैकेंसी है, फॉर्म भर दो, मैं बोलूंगा कोलकाता ठीक है, उसके इर्द गिर्द में वैकेंसी आसपास ज्यादा है, लेकिन आप उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मान के मत चलो, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म आपके कोलकाता से आने वाले हैं, या फिर आपके कहां से आने वाले हैं, मुंबई से आने वाले हैं। मुंबई से आने का कारण क्या है फॉर्म सबसे ज्यादा, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मुंबई के अगर आप इर्द गिर्द देखोगे तो मुंबई यहां पे, अब मुंबई के इर्द गिर्द भोपाल में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, अजमेर में भी कोई बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है मुंबई को कवर करने वाला जोन इतना है, तो कर्नाटक का बच्चा हो गया, महाराष्ट्र का बच्चा हो गया, गुजरात का बच्चा हो गया, ये राजस्थान का बच्चा हो गया, ये बच्चे मुंबई मूव करना चाहते हैं, तो क्योंकि इसके आसपास के जोन में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, इस कारण में मुंबई में भी फॉर्म ज्यादा आएगा, बट अहमदाबाद सेफ रह जाएगा क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और ये क्या रहेगा, ये आपका वेस्ट में है, और अगर अहमदाबाद की हम लोग वैकेंसी भी देखें तो अहमदाबाद 516 है, इसलिए मैं इसे नीली पट्टी में दिखाया हूं। देखो गुवाहाटी भी 516 है, अहमदाबाद भी 516 है, लेकिन मैं गुवाहाटी को ग्रीन दिखाया, अहमदाबाद को ब्लू दिखाया कि अहमदाबाद का बच्चा कहीं मूव ना करे, और ना ही अहमदाबाद में कोई बच्चा मूव करके आएगा। तो अहमदाबाद एक, अगर आप अहमदाबाद के अर्द-गर्द जोन के हो, नियरेस्ट जोन में, तो आप अहमदाबाद अपना चूज कर सकते हो, अन्यथा आप क्या करो, आप अपने ही जोन में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह बात आप समझिएगा। तो अगर हम लोग सेफ जोन की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से नंबर एक पे गुवाहाटी रहेगा, नंबर दो पे कोलकाता रहेगा, नंबर तीन पे भुवनेश्वर रहेगा, नंबर चार पे आपका बिलासपुर है, नंबर पांच पे बेंगलुरु है। बिलासपुर और बेंगलुरु को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करेंगे तो बेंगलुरु का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बेंगलुरु का ज्योग्राफिकल लोकेशन यहां पे है। अब बेंगलुरु के आसपास अगर हम सारे जोन को देखेंगे, चेन्नई में ठीक ठाक वैकेंसी है, सिकंदराबाद में ठीक ठाक वैकेंसी है, क्योंकि इसे मैंने ब्लू पट्टी में रखा है। अगर आप देखोगे सिकंदराबाद को भी मैंने ब्लू पट्टी में रखा है और चेन्नई को भी ब्लू पट्टी में रखा है, 478-436 पद हैं, और ये पोस्ट वाइज भी अगर आप देखोगे तो यहां पे सारे पोस्ट में लगभग वैकेंसीज हैं। इस कारण से बेंगलुरु एक बार सेफ जोन बना रहेगा, क्योंकि ऊपर का बच्चा साउथ में नहीं आना चाहता है, तो आपका एक बेटर ऑप्शन बेंगलुरु हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि आप कहीं पे भी फॉर्म भर दो। तो ये बात समझिएगा कि आपका जो बेस्ट जोन है, मैं इस कैटेगरी किया हूं। अगर आप ऐसे बिलोंग करते हो कि भाई मुझे नौकरी ज्यादा जरूरी है, मुझे बस किसी तरह एक पद ले लेना है, तो आप क्या करो, आप इसके अनुसार फॉर्म भर सकते हो, यह आपके लिए बेस्ट जोन साबित हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम पोस्ट वाइज भरेंगे, जैसे मैं बोलूं कि अगर एक पोस्ट है आपका, मैं जॉब प्रोफाइल की वीडियो अलग से आपको बनाऊंगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में ये लड़कियों के लिए पोस्ट बहुत बेकार है। हालांकि गुड्स ट्रेन मैनेजर में अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहां पे बच्चा पहली सैलरी में 1,00,000 से ज्यादा कमा सकता है गुड्स ट्रेन मैनेजर में। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेस होता है, यहां पर आपका ओवर टाइम अलाउंसेस होता है, और वो अलाउंसेस आपके 50,000-60,000 तक बढ़ जाते हैं। मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा एक वीडियो में। तो ये पहले जो पहले महीने का बच्चे की सैलरी है उसकी बात कर रहा हूं, 1,10,000, 1,12,000 है। लेकिन महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए ये जॉब बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर आपको नाइट शिफ्ट में आ गया, या फिर आप अपने घर से दूर कहीं पता लगे ट्रेन में ही यात्रा कर रहे हो, तो बहुत रफ टफ जॉब है। तो महिलाओं के लिए ये आपका जोन सिलेक्शन अच्छा नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार हमें गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट मिल जाए ज्यादा अच्छे तरीके से, तो आपको मैंने बोला है कि आपके लिए भुवनेश्वर आपका पहला जोन बेटर है, दूसरा आपका कोलकाता है, तीसरा आपका बिलासपुर है, चौथा अहमदाबाद है, और पांचवा सिकंदराबाद है। वो समझा देता हूं। भुवनेश्वर अगर आप देखोगे तो आप वैकेंसी चार्ट को देखो, भुवनेश्वर में अगर आप वैकेंसी देखोगे किसके, गुड्स कार्ड के, तो 586 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी यहां पे, और आप इसके अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी भी डालोगे, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस डालना होगा, और पोस्ट प्रेफरेंस में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस का, उसमें बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से डालना है। तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपके जोन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, और आपका जोन सिलेक्शन आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मैं एक बार आपको जोड़ूंगा कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करिए। बहुत सारी वीडियो में आपको अभी लेके आना वाला हूं, बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, इसकी जॉब प्रोफाइल में क्लियर करूंगा, सैलरी प्रोफाइल में क्लियर करूंगा, साथ में किसके लिए, महिलाओं के लिए कौन सा पोस्ट बेटर है, कौन सा पुरुषों के लिए बेटर है, सैलरी के हिसाब से कौन सा पोस्ट ज्यादा बेहतर है, सब कुछ मैं पोस्ट करूंगा सारी वीडियो, और ये देखने
देखने के बाद आप फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको फॉर्म कहां से भरना है। तो इसलिए मैं आपको यहां पे बोल दे रहा हूं कि अगर आप कहां पे जा रहे हो, अगर आप किस जोन में जाना चाह रहे हो, गुड्स ट्रेन मैनेजर में, तो आपके लिए भुवनेश्वर नंबर एक प्रायोरिटी है, कोलकाता दूसरी प्रायोरिटी है, तीसरा बिलासपुर है, चौथा अहमदाबाद है, पांचवा सिकंदराबाद। अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूं तो लड़कियों के लिए एक बेटर पोस्ट आपका क्या है, सीसीटीएस है। यह बेहतर पद है क्योंकि यहां पर हालांकि यह आपके हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग होता है और यहां पर नाइट शिफ्ट के भी ऐसा नहीं कि प्रावधान है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको नाइट शिफ्ट करना ही पड़े, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट जरूरी नहीं कि आपको नाइट में यहां पर ड्यूटी लगे ही लगे। इसमें मल्टीपल कैटेगरी होते हैं, कई सारे कॉमर्शियल में भी, कई सारे आपके क्या होते हैं जो आप बोल सकते हो कि जिम्मेदारियों के साथ आपके ये पद होते हैं, तो ये एक लेवल 6 की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, तो लड़कियों के लिए ये बेस्ट है। या फिर लड़कियों के लिए बाकी जो पद हैं इन तीन के अलावा आप उन दोनों को भी भर सकते हो वो प्रेफरेंस में। और अगर आप सीसीटीएस अपना प्रेफरेंस बना रहे हो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, तो आपका जो आपका जोन सिलेक्शन का होना चाहिए वो पहले पे कोलकाता, चेन्नई, फिर अहमदाबाद, फिर मुंबई, फिर बिलासपुर। फिर से मैं ऐड करूंगा, ये मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं जिनके जोन में वैकेंसी कम है। अगर आप ब्लू पट्टी वाले रीजन में आ रहे हो, फिर से मेरी बात सुनो, अगर आप ब्लू पट्टी वाले रीजन में आ रहे हो तो आपको अपना जोन बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोन बदलने में आप परेशान हो जाओगे। अगर आप रेड जोन से बिलोंग कर रहे हो, आप प्रयागराज से, अजमेर, गोरखपुर, पटना, सिलगुड़ी, मुजफ्फरपुर, तब चेंज करो, और आप चेंज करके कहां जाओगे वो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप ग्रीन जोन से हो तो भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जोन में ज्यादा वैकेंसी है, उसके बाद आप कम जोन में चले जाओ तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। तो ये पूरी जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस वाली है वो कायदे से जो मैंने जो लाल पट्टी से दर्शाया, मैं केवल इन्हीं की बात कर रहा हूं, बाकी सब लोग अपने जोन में ही रहो, वो ज्यादा बेहतर आपका क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर आपका जोन सिलेक्शन का तरीका रहेगा, और यही आपका प्रीवियस कट ऑफ भी बोलता है। मैंने आपसे बोला कि अगर आप स्टेशन मास्टर, बहुत सारे बच्चे स्टेशन मास्टर चाहते हैं क्योंकि यहां पर ओवर टाइम का पैसा अच्छा मिल जाता है, यहां पर अलाउंसेस ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, हालांकि स्टेशन मास्टर में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, तो यह जॉब सबसे वन ऑफ द टफेस्ट जॉब में से माना जाता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्पस से। और अगर आप स्टेशन मास्टर का प्रेफरेंस भर रहे हो तो नंबर एक पे गुवाहाटी है, नंबर दो पे मुंबई है, नंबर तीन पे बेंगलुरु है, नंबर चार पे बिलासपुर है, और नंबर पांच पे कोलकाता है। मैंने कोलकाता को देखो स्टेशन मास्टर के हिसाब से पांचवें पे रखा है, क्योंकि मुझे पता है स्टेशन मास्टर अगर बच्चा यहां पे दिमाग में रखेगा तो सबसे ज्यादा बच्चा कहां जाएगा, कोलकाता में, सबसे ज्यादा वैकेंसी वहां भरना चाह रहा है। लेकिन अगर आप कोलकाता का देखोगे तो कोलकाता में अगर वैकेंसी चार्ट देखते हो तो कोलकाता में स्टेशन मास्टर के पद केवल 68 हैं, फिर आपको वहां पे चांसेस कम है कि स्टेशन मास्टर मिले, उससे ज्यादा बेटर है कि आप ऐसे जोन में भरो जहां पे स्टेशन मास्टर के पद ज्यादा है। तो मैंने सारी चीजों को ध्यान में रखा है। अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे, सर मैं इस कैटेगरी से हूं, मैं कहां पे फॉर्म भरूं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए किस कैटेगरी से हैं, और मैं कैटेगरी वाइज आपकी वीडियो लेके आऊंगा कि आप जिस कैटेगरी से हो, क्योंकि जो जोन मैंने आपको बता दिया, अब आप क्या करो, इन पांचों जोन में से जो आपको दिल कह रहा है, जो आपके घर के सबसे ज्यादा नजदीक है, वहां पे आप देखो कि कौन सी आपकी कैटेगरी में कहां पे पद सबसे ज्यादा है, आप वहां से फॉर्म भर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, बेटर पोस्ट हो जाएगा, वो सबसे बढ़िया आपके लिए जोन हो जाएगा, आप वहां से फॉर्म भर दो। अब आते हैं बात इसके, यहां पे जब जोन सिलेक्शन का हो जाता है तो ये आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ का है। रही बात आपसे, मैं बता दूं कि आपको तैयारी साथ में करते हुए चलना है, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे साइंस, 7 बजे जीके जीएस, 8 बजे रीजनिंग और मैथी क्लासेस होती हैं, और सबसे जरूरी है एक बेहतरीन टीम से जुड़ने के लिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा प्लस मात्र आपको 199 रुपए में सारे रेलवे के बैचे, चाहे आप एनटीपीसी लेना चाह रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी लेना चाह रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन कैटेगरी कोई लेना चाह रहे हो, एनटीपीसी 2.0 अभी बिल्कुल नया बैच लॉन्च किया गया है, 199 रुपए में आपको इसमें लाइव क्लासेस, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे, आपको जो क्लास की पीडीएफ मिल वो मिल जाएगी, ई बुक आपको मिल जाएंगे, और सारी जो आपको इंपॉर्टेंट किताबें होती है, परीक्षा प्लस ऐप आपको ऐसा दिखेगा, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां से आप जा सकते हो, और आप पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स जाने के बाद आप रेलवे सेक्शन में जाएंगे, रेलवे सेक्शन में आपका आएगा यहां पर यह एनटीपीसी का आएगा, एनटीपीसी पर आप बाय नाउ करेंगे, और पे करने के बाद आपका लाइव टेस्ट, रिकॉर्डेड टेलीग्राम, ऑल डाउट्स, सब कुछ आपका ओपन होकर यहां पे आ जाता है। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट किताबें पूछते हो सर प्रैक्टिस कहां से करें, क्या पढ़े, जैसे साइंस के लिए एनसीईआरटी बेटर है, ये सारे ईबुक आपको परीक्षा प्लस के ईबुक सेक्शन में सब कुछ मिल जाएंगे। जो किताबें आप 700-800 रुपए में खरीदते हो, यहीं पे नीचे एक ईबुक का सेक्शन आएगा, तो जो 700-800 में किताबें खरीदते हो वो 10-10, 20-20, 30-30 रुपए में आपको परीक्षा प्लस ऐप से सारी चीजें मिल जाएंगी। और एक बार सैलरी वाला आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि किसकी सैलरी कितनी
ज्यादा होती है, इसकी मैंने वीडियो भी अलग से बनाई है, वो वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, वरना आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये कैटेगरी वाइज पूरा आपका जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है, तो आप उस जोन में देखोगे जैसे आप जिस जोन में जाना चाहते हो। जैसे आपने सपोज किया आपको अहमदाबाद से भरना है और आप ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आप देखो अहमदाबाद में ओबीसी कैटेगरी जो है ये ओबीसी कैटेगरी में या जिस जोन से जाना चाहते हो कि ओबीसी कैटेगरी का सबसे ज्यादा पद कहां पे है, 137 यहां पे, जबकि यहां पे देखोगे अजमेर में केवल 35 है, तो आपके लिए ज्यादा बेटर क्या होगा, आपके लिए ज्यादा बेटर अहमदाबाद होगा। तो कैटेगरी वाले बच्चे आप क्या करेंगे, कैटेगरी वाले बच्चे इस चार्ट को देख के अपना क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब रही बात की आपका जैसे कट ऑफ का, तो ये सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस पैटर्न को देखेंगे। सिलेबस पैटर्न में आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों सेम सिलेबस है, सेम तैयारी है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं और आपको यहां पे अच्छे से तैयारी करना है। रही बात कि आपके लिए कौन सा पोस्ट ज्यादा बेहतर है, तो देखो आप एक ही फॉर्म भरोगे और एक ही फॉर्म में आपके पांच के पांचों पोस्ट होंगे, उसमें आपको प्रेफरेंस भरना है, तो प्रेफरेंस किस हिसाब से भरोगे वो आपके जोन पे डिपेंड करता है। पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो मैं बिल्कुल अलग से ले आऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, तो इसके जस्ट बाद में एक पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो लेके आऊंगा कि कौन सा पोस्ट आपको किस जोन में कौन सा पोस्ट ज्यादा बेटर है। एक ही फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म से आपके सारे पोस्ट हो जाएंगे, बस आपको यह रखना है कि कौन सा पोस्ट आप आगे रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लड़कियां गर्ल्स हैं वो अगर गुड स्टेट मेजर को पहले चूज कर ली और नंबर अच्छा है उनको वही मिल जाएगा तो पूरी लाइफ रियून हो जानी है। कोई लड़का चाहता है कि भैया हम खूब पैसा कमा ले और वो क्या कर रहा है, कोई ऐसी जॉब कर रहा है जहां पे ओवर टाइम का पैसा ही नहीं है, जहां पे केवल सैलरी सैलरी है, तो फिर वहां पे वो पछताता रहेगा, यार हम तो केवल नौकरी कर रहे हैं पैसा हम कमा ही नहीं पा रहे। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस आपके कई सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका क्या है, आपका सिलेबस है और एक एक का मैंने कट ऑफ यहाँ पे लेके आया हूं, कट ऑफ वाली वीडियो में मैं सब कुछ आपको दिखाया हूं, तो कट ऑफ की वीडियो में जाके आप ये सारी चीजें देख सकते हो एक बेहतर एनालिसिस के साथ। तो फिर से आप लोग देखिएगा ओवरऑल जो आपका यहाँ पर मैंने बताया कि एक सेफ जोन क्या हो सकता है, ये आपका सेफ जोन है। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से कोर्स से जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी करवाई जा रही है। और क्या आपको जरूरी है, कहां पे आपके डाउट है, इससे हम आपके एक मेडिकल की वीडियो बनवा देंगे, एक आपका जो जॉब प्रोफाइल की वीडियो है वो मैं अलग कर दूंगा, सैलरी की वीडियो मैंने आपकी अलग बना ही दी है, इसके साथ साथ आपके पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो मैं बना दूंगा, और साथ में जो भी आपको नीड है कि फॉर्म कैसे भरे, स्टेप बाय स्टेप आपके फॉर्म भरने का तरीका सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।